ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ सरप्राइज टेस्ट। हाँ, क्वेश्चन विजुअल है ना? जी सर। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मोल एक्स मोल ऑफ एटम्स, यानी मोल आपको बताना है एक्स मोल, कितना मोल ऑफ एटम होगा किसका, नाइट्रोजन का। इफ नाइट्रोजन का एटम जो है, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, नाइट्रोजन का नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, तो नंबर ऑफ एटम जब गिवन है तो मोल कैसे हम लोग निकालते हैं, मोल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर, वेरी गुड। गिवन नंबर देखिए कितना है, 3.01 × 10³। और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.02 × 10³। कैंसिल हो जा रहा है, 23 पावर तो कैंसिल है, और ये देखिए टाइम्स आपका हो जाएगा, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5 मोल। तो आंसर इसमें बी करेक्ट है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये थोड़ा सा मल्टी स्टेप क्वेश्चन हो गया है, मल्टी स्टेप इसमें है, इन्वॉल्व है, इसको वन बाय वन समझेंगे। कि देखिए मोलारिटी गिवन है, मोलारिटी किसका, एक्वस सॉल्यूशन का, एक्वस सॉल्यूशन किसका है, ग्लूकोज का। माइक सब लोग म्यूट करेंगे। ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन का मोलारिटी गिवन है 2.315। तो इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट पॉइंट में क्या ध्यान रखना है कि मोलारिटी जो दिया है ग्लूकोज का, इसका डिफिनीशन ये हो गया कि 2.315 मोल ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी का मतलब ये हो कि मोल ऑफ ग्लूकोज कितना है, 2.315 मोल ग्लूकोज, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, गिवन है 1 लीटर गिवन है। हमको कैलकुलेट क्या करना है, सेकंड पॉइंट में ये समझना है कि कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट क्या करना है, तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है किसका, ग्लूकोज का। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि मोल ऑफ ग्लूकोज चाहिए और डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल ऑफ वाटर, ये मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का होगा। देखिए मोल ऑफ ग्लूकोज तो मोलारिटी के डेफिनेशन से मिल गया, मोल ऑफ ग्लूकोज ये क्या है, हमारा मोल ऑफ ग्लूकोज है, तो मोल ऑफ ग्लूकोज तो हमको पता है, बस मोल ऑफ वाटर अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, मोल ऑफ वाटर पता चल जाएगा तो मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का मिल जाएगा। यानी कि दो फॉर्मूला, दो स्टेप यहां तक हो गया। अब देखिए मोल ऑफ वाटर कैसे पता चलेगा, मोल ऑफ वाटर के लिए अमाउंट ऑफ वाटर, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो वाटर है इसका अमाउंट कितना है, ये हमको पता करना होगा, ठीक है ना। अब देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का भी अमाउंट होता है और किसका होता है, सॉल्वेंट भी, इसमें सॉल्वेंट भी इंक्लूडेड होता है। अब देखिए 1 लीटर सॉल्यूशन को यहाँ हम लोग 1 लीटर एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो इसको हम लोग 1 kg कंसीडर कर सकते हैं, ऐसे नहीं दिया हुआ है, डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग 1 kg कंसीडर कर सकते हैं। 1 kg सॉल्यूशन मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। अब सॉल्यूट कितना है, तो सॉल्यूट का मोल दिया हुआ है, कितना मोल दिया हुआ है, 2.315, तो सॉल्यूट का अमाउंट कितना हो जाएगा, मोल है 2.315, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से, तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, ये होता है 180, ये भी याद रखना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180 ग्राम से, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राम ऑफ सॉल्यूट हो गया, तो ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, प्लस सॉल्वेंट का अमाउंट, यहाँ से पता चल जाता है कि वाटर जो सॉल्वेंट है इसका अमाउंट कितना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो 2.315 है, इसको 180 से मल्टीप्लाई करना है,
सिंपल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, 23.15 इंटू 18 ले लेंगे, क्योंकि 10 से यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 23 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना ग्राम आ रहा है। तो देखिए 23.15 इसको मल्टीप्लाई करना है 80 से, तो कितना हो जाएगा 8 5 40 हो जाएगा रिमाइंडर, 8 और 4 12, 1 रिमाइंडर होगा, 24 ये 25 2 रिमाइंडर होगा, और 16 अब प्लस 2 18 हो जाएगा, 16 प्लस 2 18। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 होगा, ये 2 होगा, तो टोटल कितना आ गया 0 7 6 11 और फिर जाएगी ये 4, यानी कि 416.7 ग्राम। तो ये सॉल्यूट का अमाउंट हो गया। तो सॉल्वेंट कितना होगा, 1000 में से इसको माइनस कर देंगे, 1000 में माइनस कर देंगे कितना 416.7 माइनस कर देना, देखिए कितना आ जाएगा, 10 में से 7 ये 3 आ गया, और 9 में से 6 जो है ये भी 3 हो गया, 9 में से 1 ये 8 होगा, और 9 में से 4 ये 5 होगा, यानी कि 583.3 ग्राम हो गया वाटर, ठीक है ना। तो वाटर सॉल्वेंट का अमाउंट पता चल गया, तो मोल ऑफ वाटर कितना होगा 583.3, और इसको डिवाइड करेंगे किससे 18 से, 18 ग्राम, तो ये मोल ऑफ वाटर आ गया। मोल ऑफ वाटर कितना होगा, तो 3 टाइम्स ये जाएगा 54, फिर 4 बचा 43, तो फिर 2 टाइम्स जाएगा 32, और फिर जो है कि ठीक है ना, तो 43 32 11 बचा, तो 11 में 1.113, तो 18 से लेंगे, 18 से तो 18 5 90 और 6 टाइम्स में जाएगा, यानी 32.6 मोल वाटर का आ गया। अब सारा वैल्यू हम लोग को मिल गया, मोल ऑफ ग्लूकोज कितना दिया 2.3515, मोल ऑफ वाटर कितना है 32.6, तो मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, मोल ऑफ ग्लूकोज 2.315 बाई टोटल मोल, टोटल मोल कितना हो जाएगा 32.6 प्लस 2.315, ये कितना हो जाएगा 519.34, यानी कि 34.915, तो लगभग ये 0.05 के आता है, यानी कि आंसर जो है इसमें ए हो जाता है। तो थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, ये 12th लेवल का भी क्वेश्चन हो गया, नीट लेवल का भी बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया, लेंदी है, तो इसको स्टेप बाय में जो है कि थोड़ा सा एक दो बार बनाने से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब सारा सिंपल क्वेश्चन है, एक एक लाइन का क्वेश्चन है, और जो सारा क्वेश्चन नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे उसी टाइप का आपका एग्जाम का क्वेश्चन, टेस्ट का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इन 1 मोल, देखिए 1 मोल में कितना नाइट्रोजन एटम है, नाइट्रोजन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 नाइट्रोजन एटम, तो 6 × 14 ये कितना होगा 84, तो आंसर डी होगा। क्लियर है ना आप तक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग को देखना है, 4th नंबर क्वेश्चन। ये 4th नंबर क्वेश्चन में आपको 2-3 इंफॉर्मेशन पहले से याद होना चाहिए, क्या क्या, कि जो 4th नंबर क्वेश्चन है ये सिल्वर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, और सिल्वर का एटॉमिक वेट क्या होता है, दो चीज पता होना चाहिए एडिशनल। देखिए सिल्वर कार्बोनेट जो होता है, सिल्वर कार्बोनेट, जो सिल्वर कार्बोनेट होता है आपका, सिल्वर कार्बोनेट का फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है सिल्वर कार्बोनेट का फॉर्मूला, Ag2CO3, और सिल्वर का वेट कितना होता है, सिल्वर का वेट भी याद रखना, अक्सर इसका यूज होता है 108, ये दो चीज पहले से पता होना चाहिए। अच्छा सिल्वर का 108, हाँ बोलिए सर, आपने जो नंबर 2 वो जो लगाते तो सुना,
इतना क्लमजी था आप, यही क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जिसे एक मिनट माइक जो है तस्मीना, कोई एक आदमी म्यूट कर ले, आवाज क्रैक हो रहा है। कौन पूछ रहे, तस्मीना या रुमाना? किनका क्वेश्चन है? हाँ अब बोलिए, तस्मीना बोलिए। तस्मीना हाँ हाँ बोलिए। तो मतलब वो बहुत हो गया था भी थोड़ा समझ में आया था, बाद में आप उसी के ऊपर लिख रहे थे कल में प्रॉब्लम हो रहा। क्या बात सर, आप कल बोला था सर क्वेश्चन सॉल्व कर बात 0.5 सी 1.5 डी 1.02 मोलैरिटी ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन। सर क्या हुआ? नहीं नहीं वो मैंने बोला रीडिंग ऑन हो गया था। हाँ सर मैं बोल रही यही है, मतलब आप स्क्रीनशॉट करते हैं ना, वो ना स्क्रीनशॉट में सॉल्व करेंगे। सर वो क्या कर रहे हैं? देखिए आपका आवाज कुछ नहीं पता चल रहा है, चलिए आपका आवाज कुछ नहीं पता चल, लास्ट में आपको मौका देंगे फिर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 डिस्कस कर रहे थे, इसमें बताए थे कि सिल्वर कार्बोनेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए Ag2CO3, और सिल्वर का वेट पता होना चाहिए कितना होता है 108 ग्राम। तो सिल्वर का वेट अगर 108 है तो सिल्वर कार्बोनेट का वेट कितना हो जाएगा? देखिए 2 सिल्वर एटम है तो 2 × 108 प्लस कार्बन का वेट कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 16, ये टोटल 276 ग्राम आ जाता है सिल्वर कार्बोनेट का। अब क्वेश्चन पर आ जाए, ये दो चीज एडिशनल पता होना चाहिए, सिल्वर का वेट, और सिल्वर का वेट पता है तो सिल्वर कार्बोनेट का 276 ग्राम होगा। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सिल्वर कार्बोनेट को जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो इसका इक्वेशन पता होना चाहिए कि सिल्वर कार्बोनेट जो होता है Ag2CO3, इसको जब हम लोग स्ट्रांगली हीट करेंगे तो ये डायरेक्ट मेटल में चेंज हो जाता है। यही ऐसा कार्बोनेट है कि डायरेक्ट इसका क्या बनता है, सिल्वर मेटल बनता है, प्लस क्या बनता है CO2 गैस रिलीज होता है, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। अब बैलेंस जब इक्वेशन करेंगे, बैलेंस इक्वेशन में देखिए 2 जो है 2 एटम सिल्वर का है तो यहाँ भी 2 होगा, और टोटल 3 ऑक्सीजन एटम है तो 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ है और हाफ यहाँ ले लेंगे तो 3 ऑक्सीजन एटम, ये बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से पढ़िए कि सिल्वर कार्बोनेट ऑन स्ट्रॉन्गली हीटेड ये यील्ड देता है, क्या देता है, ए रेसिड्यू, रेसिड्यू कहते हैं सोलिड रेसिड्यू, रिमेन्स, कोई सोलिड प्रिसिपिटेट बने। तो देखिए CO2 तो गैस है, ये रिलीज हो जाएगा, ऑक्सीजन भी गैस है, ये भी रिलीज हो जाएगा, तो सोलिड रेसिड्यू किसका बचेगा, सिल्वर मेटल का बचेगा, किसका बचेगा, सिल्वर मेटल का। तो 2.76 सिल्वर कार्बोनेट है तो सिल्वर मेटल कितना मिलेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए बैलेंस इक्वेशन में क्या है कि 1 मोल सिल्वर कार्बोनेट, 1 मोल जो है सिल्वर कार्बोनेट का कितना मोल सिल्वर दे रहा है, 2 मोल सिल्वर एटम दे रहा है। अच्छा 1 मोल सिल्वर कार्बोनेट का मतलब कितना हुआ, 2 × 76 ग्राम, ये कितना ग्राम सर सिल्वर देगा, 2 × 108 ग्राम सिल्वर ऑब्टेन होगा, इसलिए 2.6 ग्राम में कितना होगा, नहीं तो 2.76 ग्राम में कितना होगा, ठीक है। तो फिर एक बार लिख दे रहे हैं इक्वेशन को, फिर एक बार लिखते हैं हम कि सिल्वर कार्बोनेट को जब हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं, देखिए सिल्वर कार्बोनेट को जब स्ट्रांगली हीट करते हैं Ag2CO3, जब स्ट्रांगली हीट करते हैं 2 मोल ऑफ Ag एटम प्लस 1 मोल ऑफ CO2 प्लस हाफ मोल ऑफ O2, ये बैलेंस रिएक्शन है। अब हम क्या करें कि 1 मोल सिल्वर कार्बोनेट का ये 2 मोल सिल्वर एटम देता है, 1 मोल का मतलब 276 ग्राम, कितना दे रहा है 2 × 108 ग्राम सिल्वर देता है, सिल्वर का रेसिड्यू मिलता है, सोलिड प्रिसिपिटेट मिलता है, इसलिए 2.76
76 जो ग्राम होगा, कितना ग्राम लेना है इसका? सर यहाँ पे 1 मोल। बोलिए। सर आप जो लिखा है 1 मोल सिल्वर कार्बोनेट। हाँ बोलिए। हाँ 1 मोल, ठीक है ना। तो इसमें देखिए ये आ रहा था, देखिए इसमें कह रहे थे कि सिल्वर कार्बोनेट का जो बैलेंस इक्वेशन था Ag2CO3 और ये क्या दिया 2 मोल ऑफ सिल्वर, यानी बैलेंस इक्वेशन में 1 मोल सिल्वर कार्बोनेट 2 मोल ऑफ सिल्वर एटम दे रहा है। 1 मोल का मतलब कितना है 276 ग्राम, और कितना ग्राम सिल्वर मिलेगा 2 × 108 ग्राम, तो 2.7 ग्राम में, 2.7 ग्राम में कितना रेसिड्यू मिलेगा, तो 2 × 108 by 276 × 2.76। देखिए ये कैंसिल हो रहा है और ये डेसिमल है ना, तो डेसिमल को नीचे करेंगे तो 100 होगा, और 100 से 108 में गुणा करेंगे तो 2 × 1.08 ग्राम, 2 × 1.08 ग्राम यानी कि 2.16 ग्राम। तो आंसर इसमें ए करेक्ट होगा। अब बोलिए क्या पूछना है इसमें। क्लियर है इसमें? यस सर। ओके सर 276 ग्राम। हाँ क्या बोले? ठीक है, यहां तक क्लियर है ना क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसमें होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, देखिए ये क्या है, नियोन है, नियोन एटम है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, और ये मॉलिक्यूल है, इसमें नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे, तो मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू एक्स। एक्स क्या है, नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल, जिसको एटोमिसिटी भी कहते हैं। तो मोल अगर कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ एटम हमारा कैलकुलेट हो जाए। अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट ये समझना है हम लोग को, दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग को ये समझना है ठीक है ना, कि 4 ग्राम एटम ऑफ नियोन, तो इसमें कितना मोल होगा बताइए, 4 ग्राम एटम ऑफ नियोन में कितना मोल होगा? 4 मोल। हाँ 4 मोल, ग्राम एटम का मतलब मोल होता है, तो 4 मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, इतना नंबर ऑफ एटम हो जाएगा ए में। और बी देखिए 2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, कितना मोल होगा, 2 मोल, ग्राम मॉलिक्यूल को भी मोल कहते हैं, तो 2 मोल हो गया इंटू एवोगाड्रो नंबर, और एक अमोनिया में कितना एटम है, 4 एटम है, तो इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ टोटल 8 × एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 × एवोगाड्रो नंबर। और 108 ग्राम ऑफ सिल्वर कितना मोल होगा बताइए, 1 मोल होता है, 1 मोल का वेट 108 ग्राम होता है, तो 1 × एवोगाड्रो नंबर। अच्छा 18 ml वाटर है, तो वाटर के लिए सिर्फ ml को हम लोग ग्राम भी लिख सकते हैं, और 18 ग्राम का मतलब है 1 मोल, 1 मोल वाटर का मतलब 1 × एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स, वाटर में 3 एटम होता है तो 3 × एवोगाड्रो नंबर। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम कितना किसमें है, देखिए ये वाला बी वाले ऑप्शन में 2 × एवोगाड्रो नंबर इंटू 4, यानी कि इसमें टोटल 8 एवोगाड्रो नंबर के इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एटम है। बोलिए समझ में आया ये क्वेश्चन 5 नंबर? सर ओके।
कि अगर किसी एटम में नंबर ऑफ एटम निकालना हो किसी एटम के लिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एन इंटू एवोगाड्रो नंबर, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। अगर किसी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम निकालना है तो इसमें मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स, नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, किसका, सुगर का, सुगर का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, और फिर कंसंट्रेशन निकालना है। कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ क्या है, मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट। तो ये क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है, इसमें क्या क्या गिवेन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, किसका, सुगर का, और ये जो मॉलिक्यूल्स है प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, और कंसंट्रेशन किस में निकालना है, मोलारिटी में निकालना है। तो मोलारिटी का तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, मोलारिटी इक्वल टू मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर में नहीं है तो ml में है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ मोल का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ तो नंबर दिया हुआ है ना, तो यहाँ लेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट बाई एवोगाड्रो नंबर, मोल होगा। अगर वॉल्यूम ml में लेना है, ml में गिवन है, तो 1000 से फिर इसको मल्टीप्लाई करें, ये फॉर्मूला डायरेक्ट हो गया। अब वैल्यू इसमें पुट कर देना है, 6.02 × 10⁻²⁰ ये गिवेन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एवोगाड्रो नंबर कितना है, 6.02 × 10⁻²³ इंटू 1000 / 100 ml। तो ये तो 10 टाइम्स में कट जा रहा है, और ये 6.02 कैंसिल होगा, 20 से 20 कैंसिल हो गया, बच गया 1/10³ इंटू 10, यानी कि 1/10⁻², यानी कि 1/100, 1/100 का मतलब 0.01 मोलारिटी। चलिए सेवन नंबर क्वेश्चन भी, फिफ्थ जो क्वेश्चन था उसी टाइप का, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स। देखिए CO2 कितना दिया हुआ है, 11.2 लीटर। 11.2 लीटर का मतलब हाफ मोल CO2 का हो गया, कितना मोल हो गया, हाफ मोल, क्लियर है ना, इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स। एक्स कितना होगा, यहाँ 3 एटम है, इंटू 3, तो इसका हो गया 3/2 इंटू एवोगाड्रो नंबर, इतना एटम हो गया। बी वाले में देखिए कितना दिया हुआ, 11.3 ग्राम एटम ऑफ हीलियम। ग्राम एटम का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 11.3 मोल ऑफ हीलियम, यानी 11.3 इंटू एवोगाड्रो नंबर, इतना एटम्स हो गया बी में। सी में देखिए 11.2 ग्राम वाटर है, सोलिड है, तो इसमें मोल कैसे निकालेंगे, 11.2/18, ये 1 से भी कम हो गया, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू एक्स, यहाँ 3 एटम पर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, 3 एटम पर मॉलिक्यूल है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 11 × 33.6 × 18। तो ये 2 से भी कम है, लेकिन यहाँ तो 11 मोल है ना, 11 मोल है, तो सबसे ज्यादा नंबर बी में ही आएगा ऐसे। और डी में देखिए 8 ग्राम SO3 है, SO3 का वेट कितना होता है, तो 32 अब प्लस 48, ठीक है ना, ये 80 हो गया, तो ये 1/10 मोल आ गया। तो इसमें 1/10 मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू, ये टोटल एटम इसमें 4 है, 4 यानी कि 4/10, यानी कि 0.4 इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो सबसे ज्यादा मोल नंबर ऑफ एटम बी में आएगा, 11.3 मोल एवोगाड्रो नंबर, 11.3 मोल ऑफ हीलियम, या 11.3 इंटू एवोगाड्रो नंबर, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
ओके नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है 7 तो हो गया ना, इसमें आंसर आ गया हमारा, अभी 7 किया, हां अभी तो 7 किए, आंसर इसका बी है 11.3 मोल हीलियम एटम, इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम होगा क्योंकि इसमें कितना होगा 11.3 मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, इतना जो है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम। देखिए 8 भी बहुत सिंपल है, 8 क्या दिया हुआ है कि मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 12 मोलर, और मास परसेंटेज दिया हुआ 40% NaOH मास बाय मास, इसका डेंसिटी क्या होगा। तो डेंसिटी का ट्रिकी फॉर्मूला हम लोग याद किए थे कि मोलारिटी क्या होता है, डेंसिटी इनटू एक्स परसेंटेज मास इनटू 10 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ बी सॉल्यूट, सारा वैल्यू पुट कर देना है, मोलारिटी 12 है, डेंसिटी कैलकुलेट करना है, एक्स का वैल्यू 40% है और इनटू 10 है डिवाइडेड बाय एनएएच का जो मोलर मास है ये भी 40 होता है, तो डिवाइडेड बाय 40, देखिए 40 से 40 कैंसिल होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगा 12 बाय 10 ये हमारा डेंसिटी हो जाए, यानी कि 1.2, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 9, 18 एमयू, एमयू तब यूज करते हैं जब मॉलिक्यूल के मास के लिए, यानी कि 18 एमयू का मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, मोल नहीं वन मॉलिक्यूल, और वन मॉलिक्यूल में 3 एटम है, यानी कि आंसर इसमें ए हो गया। अगर यही 18 ग्राम होता, 18 ग्राम तो ये 3 मोल एटम हो जाता, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू एक्स। ओके तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन 10 नंबर एक बार पढ़िए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या करना है हम लोग को कि मोलालिटी दिया हुआ है, नहीं कह रहा था मोलालिटी ऑफ, ये मोलालिटी निकालना है, सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन है इथेनॉल इन वाटर, और मोल फ्रैक्शन किसका गिवन है इथेनॉल का दिया हुआ, तो मोल फ्रैक्शन और इथेनॉल का डायरेक्ट रिलेशन है कि मोलालिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, डायरेक्ट फॉर्मूला है बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ए। तो देखिए ये जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है किसका इथेनॉल का, यानी कि बी का दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होता है 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी कि 1 - 0.04, यानी कि 0.96। तो दोनों पता चल गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है 0.04 इनटू 1000 डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ए कितना है 0.96 और मोलर मास वाटर का कितना होता है 18, तो ये मोलालिटी आ जाएगा। कैसे, देखिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और 4 से ये कट जाएगा, कितना 4 2 8 और 4 4 16 24 हो गया, और इसको फिर जो है कि मिनिमाइज कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है ना। देखिए ये 500 हो गया और 500 ये फिर 9 आपका हो गया, फिर जो है कि ये 250 अगर लेंगे तो ये फिर 12 हो गया, फिर ये 125 अगर लेते हैं तो फिर ये 6 हो गया, तो नेट आ गया 125/54 और 125/54 ये 2.31 आपका आंसर आ गया, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर? यस सर। ओके यस सर। तो टाइम भी लगभग होने वाला है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, हो सकता है प्रीवियस ईयर नीट या कुछ एडिशनल क्वेश्चन हम टेस्ट जो होगा उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे। ओके थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सर।